हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड फ्यूल से। सॉलिड फ्यूल में सबसे पहले है कोल का डिस्कशन। कोल के अंदर हम दोनों एनालिसिस करेंगे, उसका अप्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस। हाँ, तो जो कोल है उसको हम फॉसिल फ्यूल मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ बहुत सारा वेजिटेबल वेस्ट जो है, जब वो उसका डीके होता है बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, तो कोल फॉर्म होता है, इसीलिए उसको फॉसिल फ्यूल माना गया। नाउ कोल के अंदर क्या क्या कंपोज करता है कोल? कोल के पास है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिसाइड्स उसके पास कुछ नॉन कंबस्टेबल इनऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है। अब कोल का क्लासिफिकेशन किया जाता है रैंक के बेसिस पे। रैंक यानी उसकी कितना एक्सटेंट है, क्या उसका क्वालिटी मेजर है और किस हिसाब से उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट है। देखो, कोल सीरीज बनती है आपकी वुड, देन पीट, लिगनाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए इसी ऑर्डर के अंदर, ठीक है? वुड, पीट, लिगनाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। जो आपका कार्बन कंटेंट है, कार्बन कंटेंट, कैलोरीफिक वैल्यू, वो इस हिसाब से बढ़ती है और रैंक जो है वो उसी की डिग्री को बताता है। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ कोल। देखो, एनालिसिस ऑफ कोल से जरूर क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से भी आ सकता है और अल्टीमेट एनालिसिस से भी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको परसेंटेजेस निकालनी होती है। ये देखो, जो आपकी क्वालिटी है कोल की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए हम उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर आता है मॉइस्चर का डिटर्मिनेशन, वॉलेटाइल मैटर का, ऐश का और कार्बन का। यानी कितनी अमाउंट ऑफ ये जो चार चीजें हैं उसको हम कैसे उसका क्लासिफिकेशन करने हैं और वो कैसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमेट को डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सिमेट में सबसे पहले मेरे पास मॉइस्चर। मॉइस्चर के अंदर मैं क्या लूंगी? 1 ग्राम ऑफ फाइनली पाउडर्ड एयर ड्राइड कोल सैंपल। ये सारा जितना भी रिटर्न है, यू कैन रीड द एंटायर टेक्स्ट, आई शेयर दिस पीपीटी विद यू। लॉस इन वेट जो है, बेसिकली परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हम कैसे डिराइव करेंगे? जितना भी हीट हुआ है, जब भी कोल को हीट किया गया, तो हीट करने के बाद जो भी अमाउंट ऑफ लॉस इन वेट है अपॉन द वेट ऑफ कोल टेकन मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर आपको निकालना आ सकता है, मतलब एक प्रॉपर न्यूमेरिकल गिवन होगा। सेकेंड थिंग होती है वॉलेटाइल मैटर। वॉलेटाइल मैटर के अंदर क्या होता है? जो आपका ड्राइड कोल लेफ्ट है क्रूसिबल के अंदर, यानी कि जो मॉइस्चर के बाद, मॉइस्चर निकालने के बाद जो सैंपल में बच गया है उसको हम और इसका आप कैसे पता करोगे वॉलेटाइल मैटर का? ये होता है आपका 925 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। 925 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे ये रहता है, यानी लॉस इन वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल मैटर अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। द फॉर्मुला रिमेन्स द सेम बट इट इज आफ्टर द मॉइस्चर हैज बीन रिमूव्ड। नेक्स्ट इज योर ऐश कंटेंट। कितनी जो रेसिडुअल कोल था सेकेंड के बाद जब वो हीट किया गया फर्नेस के अंदर, तो अब आ गया आपका 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जो कि हम आधे घंटे तक हीट करते हैं। फिर वेट ऑफ ऐश लेफ्ट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन मल्टीप्लाई बाय 100, वही सेम फॉर्मूला। उसमें मॉइस्चर था, फिर वॉलेटाइल मैटर था, फिर ऐश। फिक्स्ड कार्बन कैसे निकलता है? परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन आपकी 100 माइनस जितना भी आपका मॉइस्चर का था, प्लस वॉलेटाइल मैटर था, प्लस ऐश था। वो सारी चीजों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, वो आपका फिक्स्ड कार्बन है। और फिक्स्ड कार्बन की जो वैल्यू है वो हाई, यानी उसकी हाई वैल्यू ही डिजायरेबल होती है फॉर अ गुड फ्यूल। सो दिस वाज योर प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जिसके अंदर मॉइस्चर निकाला, वॉलेटाइल मैटर, ऐश एंड फिक्स्ड कार्बन। अब अल्टीमेट एनालिसिस होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की डिटर्मिनेशन के लिए। देखो, अब हम देखेंगे अल्टीमेट एनालिसिस को। सबसे पहले है कार्बन और हाइड्रोजन कैसे निकलेगा। जब अबाउट 1/2 ग्राम ऑफ वेट कोल सैंपल को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, कंबशन की, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकला है इंक्रीज इन वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप कैसे याद करोगे कि वेट ऑफ KOH लिया है आपने, मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। KOH के साथ क्या है? कोल सैंपल का वेट कितना लिया था, वेट ऑफ कोल सैंपल। यानी जब ये बर्न हुआ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना इंक्रीज इन वेट है वो, दिस इज फॉर कार्बन। दिस इज अ वे टू क्रैम द फॉर्मूला कि कैसे आपको याद करना है। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मल्टीप्लाई बाय 2/18, अलग से ऐसे करके लिख लो, 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन का आपका जो जेलदार फ्लास्क होता है इसके अंदर किया जाता है
क्या करते हैं इसके अंदर, इसको ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसके साथ जो अमोनिया लिबरेट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड कितनी यूज हुई K2SO4 की, इंटू नॉर्मैलिटी कितनी है, इंटू 1.4 बाय वेट ऑफ कोल टेकन से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकलता है। सल्फर के लिए क्या किया जाता है, सल्फर के लिए वेट लेते हैं हम बैरियम सल्फेट का BaSO4, और जो कि लिया जाता है 32/233, ये इसी का है बैरियम सल्फेट का, इंटू वेट ऑफ कोल टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। एच जो है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में ही हम कैलकुलेट कर चुके होते हैं। ऑक्सीजन क्या है आपका, फिर ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, जैसे कि उसमें फिक्स्ड कार्बन निकलता था, 100 माइनस जितना भी हमने कार्बन निकाला प्लस ऑक्सीजन तो निकाल ही रहे हैं, प्लस जितना आपने हाइड्रोजन निकाला प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन प्लस एच जितना भी निकला उसको 100 में से माइनस कर दो, उससे आपकी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। सो दिस वॉज योर अल्टीमेट एनालिसिस, दोनों कर लिए हमने, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑल्सो एंड अल्टीमेट एनालिसिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम कोल वर्सेस कोक का डिस्कशन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, एंड देन टाइप्स ऑफ कोल्स, कोल का फर्दर कैसे टाइप्स है और क्या क्या है। अभी हमने सिर्फ इस वीडियो में डिस्कस किया है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कोल, और कोल की क्वालिटी के ऊपर, उसकी डिटर्मिनेशन के ऊपर, उसके इनर फैक्टर्स को देखने के लिए हमने उसका कैसे एनालिसिस किया था। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।